हे गाइस, जैसे हमको रियलमी 9 प्रो इसका जो कैमरा है टेस्टिंग करेंगे सारा, जैसे मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगी, सेटिंग के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आप जैसे रियलमी 9 प्रो 5G लेना चाहते हो तो पहले आपको कैमरा कैसा है तो आप जैसे पहले देख लो, उसके बाद आप भी जैसे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहले ही आपको क्या करते हैं, जो फोटो को जैसे आपको जैसे चॉइस देखते हैं यहाँ को जो कितना यहाँ को देता है, तो यहाँ से देख सकते हो तो कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक पिक को सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद यहाँ से जो फोटो को सेलेक्ट करूँगी, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद तो जो फोटो का क्वालिटी है तो यहाँ से देख सकते हो। तो आपको वैसे लाइव प्रूफ के साथ आपको वैसे मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी मिस करनी, ठीक है। तो जो आपका सिंपल बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से आपका जो जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको फोटो को कितना आपको जूम करके उठाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से इतना यहाँ को देख सकते हो, जो 0.6x यहाँ पर से थोड़ा सा जूम जैसे यहाँ पर देख सकते हो, और ज़्यादा यहाँ को जूम करना है तो यहाँ से ऐसे आपको जूम करके का इस आपको बटन मिल जाता है, ठीक है। तो आप जैसे कर सकते हो ऐसे आपको इधर ही आपको करोगे तो यहाँ से आपको 6x तक यहाँ पर जैसे जूम आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियरली आपको इसे देखने मिल जाता है, तो कैमरा तो आपको से बहुत ज़्यादा अच्छा ही आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपको से इससे रिलेटेड आपको से और जैसे फ़ोटो चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली आपको फास्ट ऑप्शन देना है। तो इसमें जैसे एक आपको से इंटरनेट का आपको से तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैं आपको सर्च के लिए करूँगी, इससे रिलेटेड आपको से बहुत सारा आपको से फीचर्स आपको मिल जाएगा, जैसे आपको 9 प्रो से रिलेटेड। तो यहाँ से देख सकते हो, कोई भी आप जैसे चीज़ को स्कैन करोगे तो आपको से ऑटोमेटिकली उसका जैसे दूसरा यहाँ आपको चॉइस है, तो आप जैसे ईजिली आप जैसे कोई भी यहाँ पर और चीज़ आपको लगा दोगे तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ को भी आप जैसे सर्च करके आप जैसे देख सकते हो। तो बैक में आने के बाद उसके बाद यहाँ से जो आपका जैसे आपको जो फोटो का अच्छा ही आपको जो फेस से रिलेटेड रहता है तो उसमें आपसे फेस को अच्छा ही आपको बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक फिल्टर दिया है तो फिल्टर को भी आप जैसे कर सकते हो। तो कुछ बैकग्राउंड में सॉन्ग आ रहा है तो इसलिए सॉरी। तो यहाँ आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दे रहता है, तो यहाँ आपको फिल्टर भी चॉइस करके आप जैसे कर सकते हो। देख सकते हो तो फिल्टर चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो आपको से जो यहाँ आपको फिल्टर अच्छा लगता है तो यहाँ से आप जैसे चॉइस करके आप जैसे ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ को जैसे आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इस कलर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसमें से कर लेता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से आपको से ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो फ्लैश लाइट है यहाँ से ऑन करके रखना चाहते हो ऑन करके रख सकते हो, जैसे आप जिस टाइम में फ़ोटो को ऑन करना चाहते हो यहाँ को ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो यहाँ से चॉइस करके आप जो फ्लैश लाइट से यहाँ को रेट आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से HDR ऑटो, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे HD भी कर सकते हो, HDR। उसके बाद यहाँ से आप उसे ऑफ करके भी रख सकते हो। तो मेरा जो ऑटोमेटिकली है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको AL, ठीक है। तो आपका जो कलर है कोई भी कलर है तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली कलर को सेट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ आपको L में यहाँ को सेट करना है तो ऑटोमेटिकली ऑन, जैसे आपको जो कलर है तो यहाँ को मैचिंग से आपको उसे देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑन करते हुए ऐसे यहाँ को ऐसे आपको ऑफ कर सकते हो। तो सिंपल मैं आपको ऑन के लिए कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो फोटो का साइज है, यहाँ पर फोटो का साइज को आप से बढ़ा सकते हो। फुल HD करना चाहते हो फुल HD कर सकते हो, सॉरी जैसे आपको फुल स्क्रीन करना चाहते हो फुल स्क्रीन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो साइज है यहाँ पर साइज को आप जैसे मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद 3 डॉट में आएंगे। 3 डॉट में आने के बाद यहाँ से टेम, आप जैसे फोटो को कितना यहाँ को सेकेंड में फ़ोटो को उठाना चाहते हो, तो आप फोटो को कितना सेकंड में जैसे उठाना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे आपको जो 10x सेटिंग मिल चुका है यहाँ को 3 सेकंड में आप फोटो को उठा सकते हो, नहीं तो यहाँ को से 10 सेकंड भी आप जैसे फोटो को उठा सकते हो। उसके बाद यहाँ से मतलब सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में कुछ यहाँ को फीचर देता है, जैसे आपको वाटरमार्क, आपका जो रियलमी 9 है तो यहाँ को ऑटोमेटिकली देगा। देख सकते हो शॉट ऑन रियलमी 9 प्रो 5G, तो ऐसे आपको इस डिवाइस का आपसे नाम मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से टाइम डेट भी आप सेट करना चाहते हो तो टाइम डेट भी सेट कर सकते हो। आपका जो नाम है कितना यहाँ को और छोटा करना चाहते हो, यहाँ से साइज को आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ आपको मैं रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद बैक में आएंगे। बैक में आने के बाद यहाँ से कुछ गैलरी यहाँ को कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद यहाँ से लेवल आपको उसे देखने मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से सॉन्ग, जो आप जिस टाइम में आप फोटो को जैसे सेलेक्ट करो तो एक सॉन्ग आएगा, तो यहाँ को सॉन्ग को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से लोकेशन में क्या होगा, आप जैसे जहाँ का आप पिक लोगे वहाँ आपको लोकेशन ऑटोमेटिक यहाँ को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव टू SD कार्ड, ठीक है, आपका जो SD कार्ड है तो यहाँ से
आप जैसे एच डी कार्ड को आप जैसे पिक को जैसे डायरेक्टली एच डी कार्ड में ट्रांसफर करना चाहते हो यहाँ पर एनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ से फोटो कुछ ऑप्शन है जैसे हमको टाइप टू कैप्चर, ठीक है, तो यहाँ से सो यहाँ पर कुछ ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लोज कर देना, उसको छः छः नहीं है, ठीक है, जैसा है ऐसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हाई क्वालिटी जो आपका वीडियो है यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन, तो यहाँ पर कुछ जैसा है ऐसा रहना, ठीक है। देख सकते हो जो फोटो का यहाँ पर कैप्चर यहाँ पर सॉरी जैसे हमको जो फोटो का यहाँ पर सीधा जैसे करना चाहते हो तो यहाँ पर अभी देख सकते हो सीधा नहीं है, सीधा करोगे तो ऐसे यहाँ पर सीधा होगा। जब यहाँ पर ट्रेवल यहाँ पर से जो साइड से करोगे तो यहाँ से देख सकते हो जो भी जो ऑप्शन है यहाँ से देख सकते हो जैसे 10 सेकंड में पिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको से सारा सेटिंग यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके बाद वीडियो में आ जाता हूँ। वीडियो में क्या क्या फीचर दे रहता है, वीडियो में भी आपसे जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको जूम कर सकते हो, कितना यहाँ पर जूम करना चाहते हो, कितना यहाँ पर कहना जैसे यहाँ पर जूम यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो बैक या जैसे हमको अल्ट्रा कुछ ऑप्शन, तो मेरा जो बैटरी पर्सन भी यहाँ पर देख सकते हो 4% है, इसलिए यहाँ पर मे भी हो सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका कलर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे आपको जो आपका वीडियो का क्वालिटी है 1000 यहाँ पर 80 यहाँ पर कर सकते हो, 720 कर सकते हो। 3 डॉट में आने के बाद डायरेक्टली इसमें सेटिंग मिलेगा, तो यहाँ पर सेटिंग में जैसा है यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं बताया था, ठीक है। इसमें एक और फीचर दिया जैसे आपको पहुँचा दीजिए, जैसे आपको 30 FPS, उसके बाद यहाँ से 60 यहाँ पर PS यहाँ से कर सकते हो, आपके ऊपर यहाँ पर क्वालिटी अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस में मिलेगा। तो वीडियो को भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट में आएंगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शन, ठीक है। तो वीडियो फोटो पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर पोर्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करूँगी। तो जैसे मैं आपको 10 सेकंड को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, तो फाइनली जो सेलेक्ट करूँगी पोर्ट्रेट को, तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर किया है, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद 64 को आपसे पिक को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर 64 से यहाँ पर पिक को सेलेक्ट करके उसके बाद देख सकते हो अच्छा यहाँ पर क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद बैक में आने के बाद यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको प्रो में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कलर है कलर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिवाइस कर लेगा, ठीक है, तो आपका जो कलर है कितना यहाँ पर लगेगा जितना आपका बारिश है सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक में आएंगे, बैक में आने के बाद दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मूड ऑप्शन में यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सारा आपको से ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको मूवी शूट करना है तो मूवी भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से बहुत ही सारा आपको फीचर दिया है, तो आप जैसे एक एक करके भी कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो मैं जो मेन जो जैसे है सेटिंग के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको से कुछ पिक्चर आपको से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो मेरा जो रियलमी 9 प्रो से मैं आपको लिया हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर आपको से दिखा देता हूँ। तो फाइनली जो देख सकते हो जो एक जैसे आपको मेरा जो फ्रेंड है फ्रेंड का जैसे मैं आपको पिक को सेलेक्ट किया हो देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको एडिट किया है, ठीक है, तो आप उसे लाइव फोटो के साथ आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद ऐसे मैं नेक्स्ट में सेलेक्ट, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको एडिट किया है, जैसे अच्छा यहाँ पर फेस थोड़ा सा आपको किया है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको चलो नेक्स्ट। इसमें भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है, फोटो को सेलेक्ट किया है अच्छा से आपको, जैसे पोर्ट्रेट को जैसे आपको जो ब्लर है ब्लर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको किया है, ठीक है। तो माय पिक तो देख सकते हो तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा से किया है, ठीक है। तो एक जैसे मेरा जो फ्रेंड है फ्रेंड के साथ थोड़ा सा हमको फोटोशूट करने गया था, तो जो कैमरा टेस्टिंग करने के लिए, तो जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो चलो और नेक्स्ट पिक में जो नॉर्मल नहीं आपको जो पोर्ट्रेट नहीं है जैसे आपको नॉर्मल पिक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको किया है, ठीक है। तो कैमरा के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे आपको सोनी का भी है, तो ये देख सकते हो नॉर्मल। उसके बाद जो यहाँ पर पोर्ट्रेट करके किया हो तो यहाँ से देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा से देख सकते हो कितना यहाँ पर क्वालिटी मिल जाता है फ़ोटो का। तो थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा भी फ़ोटो को फट नहीं रहा है, इसमें भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट करता है, पोर्ट्रेट भी अच्छा से करता है। थोड़ा सा शॉर्ट भी जैसे आपको बैक कैमरा से किया हो, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो तो जैसे फोटो यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ फट नहीं रहा है, तो यहाँ से जैसे दूर दूर से देख सकते हो तो जैसे आपको फोटो को सेलेक्ट किया हो इसमें भी फोटो को देख सकते हो तो अच्छा यहाँ पर फोटो का क्वालिटी आपको से रहता है, ठीक है। तो मेरे पास मोबाइल के पास 2% चार्ज है, ठीक है,
यहाँ भी आपको से कुछ फ़ोटो में आपको दिखा दे तो देख सकते हो जो फ़ोटो है तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ आपको क्वालिटी में मिल जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ आपको कैमरा को लगा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ फीडबैक में आपको बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ आपको, तो यहाँ भी आपको इसे देख सकते हो, इसको देख सकते हो जैसे कितने आपको फोटो क्लिक किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो को, जैसे मैं आपको कैमरा टेस्टिंग किया हो, ठीक है। तो जैसे आपको रियलमी 9 प्रो उसके बाद यहाँ से कैमरा को अपने अच्छे से आपको टेस्टिंग करके आपको पता चुका हो, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को दबा देना। जैसे मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड, विलेंस से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। जो मेरा रियलमी 9 प्रो है इसका मैं कोर्स कर रहा हूँ, जैसे आपको जो रियलमी 9 प्रो को लिया हो, ठीक है, उसका जैसे सारा सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं जैसे आपको यूट्यूब से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड, विलेंस से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। तो जैन बनाओ तुम, गुड बाय।